लोकल पुलिस ने देर रात नसरुल्लागंज के सहायक जेल अधीक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मामला में लोकायुक्त पुलिस को भी काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से डीएसपी सालील शर्मा ने कार्यवाही की उससे लोकायुक्त पुलिस की छापामार कार्यवाही सफल हो गई। बताया गया कि 5 जनवरी को अर्जुन पवार निवासी बजरंग कुटी नसरुल्लागंज ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को शिकायती आवेदन दिया कि सहायक जेल अधीक्षक महावीर सिंह बघेल नसरुल्लागंज जेल में बंद आवेदक के साले राम निवास उर्फ भूरा एवं अन्य 4 लोगों को प्रताड़ित न करने व उनसे मुलाकात करवाने व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एवज में प्रत्येक से 20,000 की रिश्वत की मांग की। शिकायत सत्यापन उपरांत पाया गया कि महावीर सिंह बघेल की छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की है एवं उसकी रिश्वत संबंधी शिकायतें सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के निर्देशन में कल रात डीएसपी सलील शर्मा के नेतृत्व में ट्रैप कर्ता अधिकारी निरीक्षक घनश्याम सिंह मार्स कोले, निरीक्षक आशीष भट्टाचार्य, निरीक्षक मयूरी गौर की टीम ने के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आरोपी सहायक जेल अधीक्षक महावीर सिंह बघेल को उनके जेल परिसर के समीप स्थित शासकीय आवास पर जेल प्रहरियों व द्वारपाल को चकमा देकर कुशलतापूर्वक 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकार सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए गोपनीय कार्य योजना तैयार की थी। बताया कि लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई का कोड वर्ड मिठाई का डब्बा था। जैसे ही यह शब्द उपयोग में लाया गया छापामार कार्रवाई शुरू हो गई। इसी मामले में लोकायुक्त पुलिस ने डीएसपी सालील शर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके बाद कार्रवाई की गई है। आज जो जेल में लोकायुक्त की छापामारी हुई उसमें आपका क्या भूमिका है? जी सर, 9 तारीख से वो पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन? जेलर साहब महावीर सिंह बघेल। फिर हमने 5 तारीख को सूचना की लोकायुक्त भोपाल में, फिर उन लोगों ने रिकॉर्डिंग का कार्ड दिया था, उनमें रिकॉर्डिंग हुई। 12 तारीख को पैसे दिए और फिर बघेल साहब को दिए गए। कार्रवाई हुई नहीं हुई? 20,000 रुपये कार्रवाई पूरी हो चुकी बघेल साहब। सर जी, आप आज नसरुल्लागंज जेल आए किस कारण से? 5 जनवरी 2023 को आवेदक अर्जुन पवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल श्री मनु व्यास जी को एक लिखित शिकायत की थी कि उसके साले राम निवास और भूरा निवासी कचनारिया तथा उसके साथ के कुछ लोग नसरुल्लागंज जेल में 420 के प्रकरण में बंद हैं और उनसे मिलने के लिए और उनको सहज जो बाहरी सुविधाएँ वो उपलब्ध कराने के लिए वहाँ के जो सहायक जेल अधीक्षक हैं मिस्टर महावीर सिंह बघेल, वो उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। हमारे द्वारा उक्त शिकायत का वेरिफिकेशन कराया गया और वेरिफिकेशन के दौरान हम ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये एक बहुत ही भ्रष्ट किस्म के अधिकारी हैं और उस जो आवेदक के द्वारा जो शिकायत की गई है वो सही है। तो आज हमने इनको 20,000 रुपये की रिश्वत अर्जुन पवार से लेते हुए अपने निवास पे जो सुरक्षित उसमें गिरफ्तार किया है और हमारे द्वारा ट्रैप कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे इस पर क्या कार्रवाई होनी है इनके ऊपर? ट्रैप कार्रवाई के पश्चात जो भी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 13(1)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, एक कल परसों ही एक जानकारी आई थी कि अंदर भी जो कैदी यहाँ पर बंद है उनसे भी सर रिश्वत ली जाती है, उनके लिए अभी तक प्रूफ पक्का नहीं आया है, पर कहीं ना कहीं आपकी आज जो कार्रवाई हुई है इससे ऐसा लगता है कि अंदर भी इसी प्रकार से हैं जो कैदी मीडिया के सामने सक्षम अपनी बातें रखेंगे। ये जांच का विषय है, इसके बारे में हम सीधे तौर पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। इसके लिए पृथक से जांच की जाना उचित होगा, इसके लिए आप उचित फोरम पर संपर्क कर सकते हैं।